हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे करिकुलम एंड इट्स प्रिंसिपल की सो व्हाट इज़ करिकुलम वर्ड करिकुलम इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कुरेरे व्हिच मींस रनिंग कोर्स जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिस कुरेरे से जिसका मतलब होता है रनिंग कोर्स मतलब वो जगह जहाँ दौड़ा जाता है या, या हॉर्स को जहाँ दौड़ाया जाता है मतलब या आ, जो दौड़ने की जो लेन है जो आपने देखा होगा जो कॉम्पटिशन्स वगैरह में जो पूरी लेन बनती है दौड़ने के लिए वो रनिंग कोर्स कहलाती है सो द टर्म करिकुलम हैज़ सेंस ऑफ कॉम्पटिशन एंड अचीवमेंट ऑफ गोल इन्हेरेंट एंड एट तो साफ करिकुलम का मतलब तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कंपटीशन या अचीवमेंट ऑफ गोल जो है इसके मतलब इसके मीनिंग में इनहेरेंट है या कहीं ना कहीं ये बता रहा है की करिकुलम का मतलब सेंस ऑफ कंपटीशन या अचीवमेंट के रिलेटेड है राइट सो स्कॉटलैंड इन 1603 स्कॉटलैंड uh, में ये यूज़ किया जाता था करिकुलम वर्ड फॉर कैरेज वे और रोड रोड के लिए करिकुलम वर्ड यूज़ किया जाता था या वो जगह जहाँ से चीज़ें उठा के लाई या uh, मतलब वहाँ से लेकर आया और लेके जाया जाता हो वो वाले लेन को उस रास्ते को करिकुलम कहते थे फिर यूनाइटेड स्टेट में अराउंड 1906 टू 1945 मतलब उस एज uh, में इसे कोर्स ऑफ स्टडी या प्लान फॉर लर्निंग या स्टडी के लिए यूज़ करने जाने लगा और उस दिन से लेकर आज तक फिर ये करिकुलम वर्ड हम लोग एज अ कोर्स ऑफ स्टडी यूज़ करने लगे ओके सो द करिकुलम इज़ अ डिज़ाइन प्लान फॉर लर्निंग दैट रिक्वायर्स द पर्पजफुल एंड प्रो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सिक्वेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द टीचर द स्टूडेंट्स एंड द कंटेंट नॉलेज वी वॉन्ट स्टूडेंट टू अक्वायर तो करिकुलम क्या है ये डिज़ाइन प्लान फॉर लर्निंग है जो एक प्लान है ठीक है जिसको डिज़ाइन किया जाता है किस चीज़ के लिए लर्निंग के लिए एक पर्पजफुल एंड प्रो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिक्वेंसिंग एंड मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है सिक्वेंस किया जाता है मैनेज किया जाता है किस लिए फॉर द इंट्रैक्शन अमंग द टीचर स्टूडेंट एंड द कंटेंट नॉलेज जो कंटेंट है एक ऐज पर अकॉर्डिंग टू द एज अकॉर्डिंग टू द क्लास हम एक प्लान बनाते हैं कि इस उम्र में इस क्लास में किस तरह की स्टडी होनी चाहिए क्या पढ़ाई होनी चाहिए ओके क्या नॉलेज बच्चों को जानी चाहिए क्या नॉलेज उन्हें समझनी है क्या एक्सपीरियंस उन्हें लेना है उसके अकॉर्डिंग जो हम करिकुल डिज़ाइन करते हैं ठीक है जो जो कंटेंट हम डिज़ाइन करते हैं जो हम कंटेंट प्लान करते हैं डैट इस

as experienced by the learner and as recorded by an observer those experiences take place in a learned learning environment that also influences what is learned so, what is curriculum? Have that is a is to curriculum kya hai apne bataya ki ek plan hai jo kis liye banaya ja raha hai गाइड करने के लिए स्कूल के में लर्निंग को ठीक है यूजुअली किससे represent करते हैं रिट्रेवेबल डॉक्यूमेंट ऑफ सेवरल लेवल ऑफ जनरलिटी मीन्स आप देखिएगा कि जब आपने क्लास वन के करिकुलम को कम्प्लीट किया फिर आपने एग्ज़ाम दिया एंड देन आप सेकेंड स्टैंडर्ड में आए हैं फिर सेकेंड स्टैंडर्ड के आपने पूरे करिकुलम को कम्प्लीट किया है ना जो सिलेबस था उसको कम्प्लीट किया जो अभी जो जो सेकेंड स्टैंडर्ड में आपको टीचर ने कराया वो चीज़ करने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया एंड देन आप थर्ड स्टैंडर्ड में आए तो क्या है ये एक रिट्रेवेबल डॉक्यूमेंट ऑफ सेवरल लेवल है है ना एंड द एक्चुअलाइजेशन ऑफ दो प्लान इन द क्लास रूम एज एक्सपीरियंस बाय द लर्नर एंड एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर तो लर्नर कौन है द स्टूडेंट्स एंड ऑब्जर्वर कौन है टीचर एंड दोज एक्सपीरियंस टेक प्लेस इन द लर्निंग एनवेंट दैट आल्सो इनफ्लुएंस व्हाट इज लर्न और ये कहाँ लिया जा रहा है स्कूल में राइट तो स्कूल में लिया जा रहा है ये पूरा एक्सपीरियंस और तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है करिकुलम में मतलब करिकुलम कहीं ना कहीं टीचर है ना स्टूडेंट एंड लर्निंग इन्वमेंट के बीच होता है कहाँ होता है स्कूल में ओके तो ये पूरा करिकुलम है देन तो सो करिकुलम इज़ टोटल इन्वमेंट करिकुलम क्या है टोटल इन्वॉमेंट है वो सारा इन्वॉमेंट जो स्कूल में हो रहा है द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम इज गिवन बाई दो कंसीव इट टू इंक्लूड द टोटल इन्वामेंट ऑफ द स्कूल है ना तो ये कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट अगर आपको लेना है करिकुलम का तो यही समझ लीजिए कि इट्स अ टोटल इन्वामेंट ऑफ द स्कूल दिस इन फैक्ट दैट चाइल्ड एजुकेशन इज इंफ्लुंस बाई नॉट ओनली बुक्स बट द प्ले ग्राउंड लाइब्रेरी लैबोरेट्री रीडिंग रूम्स एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स द एजुकेशनल इन्वयमेंट एंड अ होस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स देखिए तो जो करिकुलम है मतलब वो नहीं जो सिलेबस है आपका है ना सिलेबस इज़ पार्ट ऑफ करिकुलम जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं जो आपके कंटेंट में है कि हाँ आपको साइंस में ये पढ़ना है मैथ्स में ये पढ़ना है उसके साथ साथ वो चीज़ें जो आप प्ले में सीख रहे हैं वो चीज़ें जो आप लाइब्रेरी से ले रहे हैं उससे पढ़ रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं हाँ जो आ, जो एक्स्ट्रा uh, uh, कुछ प्रोग्राम्स हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन है आपका उसके थ्रू भी जो आप सीख रहे हैं लेबोरेटरी में आप सीख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी पार्ट ऑफ करिकुलम है ओके सो द एजुकेशनल इन्वॉर्मेंट एंड होस्ट ऑफ अदर फैक्ट्री इन द स्कूल बोथ एजुकेटेड एंड द एजुकेट आर पार्ट ऑफ द करिकुलम बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द इन्वॉर्मेंट मैंने पीछे ही बताया कि कहीं ना कहीं एजुकेट और एजुकेटर दोनों पार्ट ऑफ करिकुलम मतलब टीचर स्टूडेंट बोथ आर द पार्ट ऑफ द करिकुलम बिकॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है वो इन्वामेंट में टोटल इन्वायमेंट ऑफ द स्कूल है करिकुलम एंड उस एन्वायरमेंट में आप दो लोग को देखते हैं एक टीचर है और एक स्टूडेंट्स हैं ओके एक्चुअली द करिकुलम इज ओनली दैट पार्ट ऑफ द प्लान दैट डायरेक्टली अफेक्ट स्टूडेंट

स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है रिपेयरिंग हो रही है तो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द करिकुलम उससे स्टूडेंट का डायरेक्ट कुछ अफेक्ट uh, नहीं हो रहा है उससे है ना या उससे कुछ करिकुलम बेस्ड लर्निंग नहीं हो रही है वो तो जो एक लाइक uh, like कुछ डैमेज है एंड उसके रिपेयरिंग हो रही है तो वो सारी चीज़ें uh, है तो कर मतलब इन्वर्मेंट में स्कूल के लेकिन दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ करिकुलम ओके जो चीज़ें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है स्टूडेंट को जो उसके एक्सपीरियंस को वो करिकुलम कहलाएगी सो डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम के आ जाते हैं देयर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन सो हमने पांच फेमस करिकुलम के डिफिनेशन लिखे हैं यहाँ पे सो करिकुलम इज़ द टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मूल्ड हिज मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो ये बहुत फेमस है करिंगम का कि करिकुलम इज़ द टूल इन दैंड ऑफ द आर्टिस्ट आर्टिस्ट मीन्स टीचर टू मूव हिज मटेरियल अपने मटेरियल को मूल्व करने के लिए यहाँ पे मटेरियल क्या है पीपल्स एंड अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल आइडियल क्या है क्या उसने सोचा हुआ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो स्टूडियो क्या है स्कूल ओके एंड मोरो अकॉर्डिंग टू मोरो करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दो विच आर यूटिलाइज बाई द स्कूल द एम ऑफ एजुकेशन कहा ना करिकुलम वो सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में यूटिलाइज हो रही है एम ऑफ एजुकेशन को अटेन करने के लिए राइट फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस करिकुलम को माना जाता है एपिटोम है ना मतलब रिप्रेजेंटेटिव ओके ऑफ़ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस पूरा का पूरा जो नॉलेज या एक्सपीरियंस ह्यूमन का है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है करिकुलम मतलब करिकुलम के थ्रू ही एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू एक प्लान के थ्रू ही हम प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रेस के अंदर नॉलेज या एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं ओके okay, ये फ्रॉबेल का कहना है फ्रॉबेल को आप जानते ही होंगे किंडर गार्डन के फादर ओके रैल्फ टाइलर रैल्फ टाइलर के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ़ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ प्लान बाई एंड डायरेक्टली डायरेक्टेड बाई द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल ठीक है दैट इज़ करिकुलम है ना जो लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स है वो अगर प्लान्ड है और डायरेक्टेड हो रही है स्कूल में डायरेक्टेड बाई द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल दैट इज करिकुलम है ना एजुकेशनल गोल को अटेन करने के लिए स्कूल में जो प्लानिंग है वो करिकुलम है डी अकॉर्डिंग टू डी के व्हीलर बाई करिकुलम वी मीन द प्लान एक्सपीरियंस ऑफर टू द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल ठीक है क्या है कि एक प्लान्ड एक्सपीरियंस है जो ऑफर कर रहा है कौन स्कूल ठीक है तो और उस अपने एम मतलब उसके एम ऑफ एजुकेशन को अटेन करने के लिए डैट इज करिकुलम तो साफ यहाँ समझ में आ रहा है कि करिकुलम क्या है मेन तो बार बार ये बात आ रही है कि इट्स अ प्लान इट्स अ प्लान्ड ठीक और कहाँ हो रहा है स्कूल में ओके okay. किस चीज के लिए एजुकेशनल गोल को अटेन करने के लिए या एजुकेशनल एम को अटेन करने के लिए सो दैट इज करिकुलम ओके देन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन अब ये हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम पे सो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स principle of conservation principle of creativeness principle of forward looking principle of integration and correlation principle of learning ability principle of individual difference principle of social relevancy and utility principle of utilization of leisure principle of variety and flexibility principle of time so these all are principle of curriculum so first is principle of objectivity लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स है करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ इन अदर वर्ड्स इन फ्रेमिंग द करिकुलम वन शुड टेक इन टू कंसिडरेशन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी में ये है कि अगर हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें कंसिड्रेशन में रखना है कि एम क्या है एजुकेशनल मतलब करिकुलम का ये डिफिनेशन ही है कि टू अटेन द एजुकेशनल एम ठीक है द प्लान कंटेंट इज करिकुलम राइट सो अगर हम करिकुलम को बना रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल अ करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल नीड्स इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड दैट मीन्स अ करिकुलम मस्ट बी चाइल्ड सेंट्रिक चाइल्ड सेंटर करिकुलम होना चाहिए है ना अगर आप टीचर सेंटर्ड बना दे देंगे या ये सोचें कि हाँ किस तरीके से टीचर को आराम मिले उस तरह से करिकुलम बनाए तो उसमें तो बच्चे का भला नहीं होगा ना हमें चाइल्ड सेंट्रिक बनाना है वो चीज़ें जो बच्चे को समझ में आए उनके तरीके से एक जो उनका एक इंटरेस्टिंग हम एक इंटरेस्टिंग तरीका अगर इस्तेमाल करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए करिकुलम के लिए तो वो चीज़ें आसानी से बच्चे समझ पाएंगे ओके तो डैट इज़ चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स मैन इज अ सोशल बीइंग ही लीवस इन द सोसाइटी दट चाइल्ड डेवलप्स इन द सोसाइटी सो जब भी हम करिकुलम बनाएं तो सोसाइटी को कंसिडर करके किस तरह की सोसाइटी है जहाँ आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिस स्कूल में आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिस स्कूल का करिकुलम आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिस बोर्ड का आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो किस एरिया में है लाइक like, अगर अगर आप इंडिया में हैं हाँ तो आप सी के लिए मान लो करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या किसी स्कूल के रिलेटेड करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो स्कूल है वो किस जगह है लाइक like, रूरल में अर्बन में अगर रूरल में है तो वो वहाँ के लोगों की रहन सहन क्या है उनका खाना पीना ओके okay. हर एक चीज़ लैंग्वेज हर, हर चीज़ों को कंसिडर करके किस तरह की सोसाइटी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है एजुकेशनली बैकवर्ड है या एलिट क्लास है वो सारी चीज़ों को देख कर करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना होता है राइट फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मैन कंजर्व एक्सपीरियंस वेरी केयरफुली फॉर बेटर अडाप्टिटी

एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से बहुत तरीके से कंजर्व करना होता है किस चीज़ के लिए बेटर अडेप्टलिटी के लिए मीन्स जो वो आ, अभी सीख रहा है या जो उसने सीख रखा है उस चीज़ को इतना सिस्टमेटिक वे में अपने करिकुलम में डालें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है जो जनरेशन है वो उस चीज़ को समझ पाए ठीक है मीन्स देर शुड बी अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो कल्चर है उसको उसको ख़त्म नहीं होना है ठीक है मॉडर्नाइजेशन के साथ आप प्रिजर्वेशन का भी काम करें वो चीज़ें जो पहले से अच्छी चली आ रही है उस चीज़ को रख के उसके एसेंस को रख कर आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट करें ओके तो आ, जैसे कि हम, हमारे इंडिया में हमेशा हर एक चीज़ स्पून से नहीं खाई जाती है बाहर हर चीज़ स्पून से खाई जाती है तो ये कहीं ना कहीं बुरा नहीं है तो आ, हमेशा अब हम करिकुलम बना रहे हैं और उसमें ये बच्चों का डाल दे कि जो भी चीज़ खाओ वो स्पून से खाओ तो ये तो बाहर का कल्चर है हमारे यहाँ तो लोग हाथ से भी खाते हैं सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेशन मीन्स जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है ऑफ ह्यूमैनिटी या जो भी कल्चरल जो कल्चर है उन चीज़ों को प्रिजर्व करके करिकुलम बनाना दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिवनेस एजुकेशन नॉट ओनली कंजर्व द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमैनिटी बट ऑल्सो हेल्प एन इंडिविजुअल डेवलप इज नेट पोटेंशलिटीज़ जो हर एक बच्चे में क्रिएटिविटी होती है तो हर हमें भी जब करिकुलम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो क्रिएटिविटी को जहन में रख कर करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है मीन्स और जो करिकुलम हो उसमें क्रिएटिविटी हो या तो कोई क्रिएटिविटी वाली चीज़ें भी आप उसमें डालें वर्क एक्सपीरियंस डालें Uh, कोई भी चीज़ सीखने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए कुछ वर्क uh, प्रोजेक्ट्स उसमें हो करिकुलम में ताकि बच्चे क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ें या अपनी क्रिएटिविटी को निखार पाए ओके प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग द एम ऑफ लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी हेस एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर शोल्डरिंग फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो इन फ्रेमिंग द करिकुलम वी मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द फ्यूचर नीड ऑफ़ द चाइल्ड एज वेल एज द नीड ऑफ़ द सोसाइटी प्रिंसिपल ऑफ़ फॉरवर्ड लुकिंग ये कहता है कि जब हम कंस्ट्रक्ट करें करिकुलम तो हमें जहन में रखना है कि आज क्या नीड है और फ्यूचर में क्या नीड है चाइल्ड की भी और सोसाइटी की भी ठीक है अब आगे जो हमारी फ्यूचर में क्या ज़रूरत है ठीक है या आगे जाके मार्केट की क्या डिमांड होने वाली है या वक्त की क्या डिमांड होने वाली है उसके अकॉर्डिंग अगर आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पहले तो फालतू चीज़ें जो करिकुलम में वो हटेगी और वो यूटिलिटी बेस्ड जो चीज़ें हैं जिसका सच में कोई काम है वो सारी चीज़ें करिकुलम में आएंगी सो प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड को रिलेशन सब्जेक्ट शुड बी अरेंज लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद द चाइल्ड डेवलपिंग इंटरेस्ट ये मैंने पहले ही कहा कि आ, जो भी सब्जेक्ट आप अरेंज कर रहे हैं या जो करिकुलम कंटेंट बना रहे हैं वो लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली अरेंज होना चाहिए मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग उसके क्लास के अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे तो उसके लिए कोई भी कंटेंट को ग्रैप करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा लेकिन अगर आप थर्ड स्टैंडर्ड में ही केमिकल रिएक्शंस एंड फार्मूलाज पढ़ाने लगेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम ओके प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी एवरी आइटम शुड बी लर्न एंड आइटम शुड नॉट अच्छा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन में ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं कि कहीं ना कहीं से जो एक सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करता हो को रिट करता हो ताकि उनके लिए ईजी हो जाए जैसे कि मैथ्स एंड फिज़िक्स है ठीक है इस तरह से कोरिलेशन होना चाहिए या आप ड्रॉइंग एंड वो सारी चीज़ें आप अपने ई वी एस या साइंस में डाल दें और इस तरह से या इंग्लिश में हम कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ा दें ओके okay, तो इस तरह से देर शुड बी इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स ओके प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी एवरी आइटम शुड बी लर्न एंड आइटम शुड नॉट बी लर्नेबल इट शुड ऑल्सो यूटिलिटी ठीक है प्रिंसिपल ऑफ़ लर्निंग एबिलिटी में ये कहता है कि मतलब हर सब्जेक्ट की यूटिलिटी होनी चाहिए हर एक कंटेंट की यूटिलिटी होनी चाहिए बेवजह कोई भी कंटेंट करिकुलम में नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस द करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे डैट एवरी इंडिविजुअल कैन हैव अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डेवलपमेंट द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस आप जानते हैं हर बच्चों में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है मीन्स हर एक बच्चा है, दूसरे बच्चे से अलग होता है तो उन चीज़ों को जहन में रखकर ठीक है इंडिविजुअल डिफरेंस को जहन में रख कर कंसिडर करके हमें करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना होता है मीन्स साइकोलॉजिकली इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ओके प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेवेंसी एंड यूटिलिटी ये पहले भी बात हुई कि दैट uh, 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 करिकुलम शुड बी यूटिलिटी बेस्ड सोशल रिलेवेंसी होनी चाहिए मीन्स सब्जेक्ट शुड नॉट बी डिटर्मेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसिप्लिनरी वैल्यू बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रेंसिक वैल्यू सिर्फ डिसिप्लिन उस डिसिप्लिन उस सब्जेक्ट का क्या वैल्यू है उसके हिसाब से आप कंटेंट को या उस सब्जेक्ट को डिज़ाइन ना करें बल्कि उसका इंट्रेंसिक वैल्यू क्या एक्चुअल में क्या वैल्यू है ओके या आगे जाके उसका क्या वैल्यू होने वाला है इससे बच्चे क्या सीखेंगे क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को जहन में रख कर कंसिडर कर, करके आपको करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेजर वराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स सचैस गेम्स एंड इस्पोर्ट्स फ़ाइन आर्ट्स सब्जेक्ट्स ऑफ़ इस्थेटिक वैल्यू आर टू बी इंट्रोड्यूज इन द स्कूल प्रोग्राम टू यूटिलाइज लेजर जो फ्री टाइम है स्कूल्स का उसको काम की चीज़ों में यूटिलाइज करें मीन्स ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट फ़ाइन आर्ट्स हैं इस्थेटिक वैल्यूज़ वाले सब्जेक्ट्स हैं लाइक योग ठीक है इट्सूड भी इंट्रोड्यूज इन द स्कूल प्रोग्राम ठीक है ताकि यू जो लेजर टाइम है जो लेजर है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ हो ओके okay. गेम्स और स्पोर्ट्स को भी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाए ताकि उस चीज़ों से बच्चे आगे बढ़ सकें जो जिस बच्चों को उन गेम्स या उस स्पोर्ट्स में या फ़ाइन आर्ट्स में ठीक है या जो भी एस्थेटिक वैल्यू वाले, वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट्स को लेके वो आगे बढ़ सके उसमें कुछ अच्छा कर सके और एस्थेटिक वैल्यूज़ के सब्जेक्ट्स भी रहेंगे तो वो हर एक तरीके से साइकोलॉजिकली जो या मेंटल हेल्थ है वो बच्चे का अच्छा रहेगा सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड फ्लैक्बिलिटी द करिकुलम शुड इंक्लूड सच एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस विच में फैसिलिटेट नॉर्मल डेवलपमेंट ओके देर शुड भी फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम ओके इट शुड नॉट बी फिक्सड और मैंने कहा इंडिविजल डिफ्रेंस होता है या हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं नॉर्मल uh, बच्चे के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिजेबल्ड uh, हैं तो मींस देर शुड बी इंक्लूसिवनेस ठीक है देर शुड भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ओके इन करिकुलम Uh, तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी मान लो कि वो बच्चा एग्जाम नहीं दे पा रहा है तो आपने नॉर्मल ओरल एग्ज़ाम ले लिया मतलब रिटर्न एग्जाम नहीं दे पा रहा है तो आपने ओरल एग्जाम ले लिया तो देर शुड भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम ठीक है प्रिंसिपल ऑफ टाइम रिलेटिव सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इस सब्जेक्ट इन द करिकुलम हैज़ टू बी जज्ड एंड डिटर्मिन इन द लाइट ऑफ द टाइम अवेलेबल इन द टाइम टेबल विच इज रिगार्डेड एज द मिरर ऑफ द स्कूल प्रोग्राम प्रिंसिपल ऑफ टाइम मीन्स टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंस होना चाहिए और जो सब्जेक्ट है करिकुलम में जो आपने कंटेंट डिज़ाइन किया हो वो ये भी प्लान होना चाहिए उसमें कि हाँ ये जो कंटेंट है ये जो यूनिट है वो इतने दिन में इसे कंप्लीट हो जाना है लाइक विद इन थर्टी डेज़ ये यूनिट कंप्लीट हो जाना है विद इन फिफ्टीन डेज आपका सेकंड यूनिट ख़त्म हो जाना है इस तरह से टाइमिंग भी डिज़ाइन होनी चाहिए करिकुलम में ताकि किसी तरह का हासिल ना हो ओके okay. देन हम आते हैं कंक्लूजन पे सो करिकुलम इंक्लूड्स इन इट्स स्कोप ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस पीपल मे हैव वाइल अंडर द डायरेक्शन और सुपरविजन ऑफ द स्कूल ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दोज for which the school is responsible it includes extra classroom activities such as play days, excursion, club work and so on as well as classroom activities. so सो हमने क्या समझा कि करिकुलम जो है वो सिर्फ वो चीज़ें नहीं हैं जो हम सिर्फ क्लासरूम में पढ़ रहे हैं बल्कि वो सारी एक्सपीरियंसिस हैं जो बच्चा स्कूल से ले रहा है चाहे कि वो एक्स्ट्रा क्लास रूम एक्टिविटीज़ हो या प्ले डेज हैं या एक्सकर्जन है क्लब वर्क है लाइब्रेरी ओके लैबोरेटरीज प्ले ग्राउंड हर जगह से वो जो सीख रहा है वो सारी चीज़ें करिकुलम में आती हैं सो दैट इज़ ऑल अबाउट करिकुलम एंड इट्स प्रिंसिपल और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक्स फॉर वॉचिंग